स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए गौरव और सम्मान का दिन है। झारखंड राज्य में बढ़ती नक्सल गतिविधियों को देखकर ग्रेहाउंड्स की तर्ज पर सन 2008 में झारखंड जगबार एसटीएफ के रूप में एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया था। पिछले 15 वर्षों में इस विशेष पुलिस बल ने कई अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। नक्सल गतिविधियों में उत्तरोत्तर कमी से इस विशेष बल की का असीम योगदान स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं राज्य की शांति एवं प्रगति के लिए हमारे 21 पदाधिकारी और जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज हम उन्हें हमारे उन वीर शहीदों को याद करते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही हम उनके परिवारजनों के लिए प्रति हमारी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज झारखंड जगबार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे पारसनाथ की ऊंची पहाड़ी हो या कोल्हान के सघन घने जंगल, चाहे बूढ़ा पहाड़ का दुरूह इलाका हो या सारंडा का दुर्गम क्षेत्र, झारखंड जगबार ने अपनी उपस्थिति सभी जगह दर्ज कराई है। पिछले एक वर्ष में सभी अभियानों में झारखंड जगबार को कई सफलताएं प्राप्त हुई हैं। 7 मुठभेड़ों में 3 उग्रवादियों को झारखंड जगबार के जांबाजों ने मार गिराया है, अन्य कई को गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस इन अभियानों के दौरान बरामद किए गए हैं। झारखंड जगबार की BDDS टीम्स अपने कार्यों के लिए पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जो भी बल कार्य कर रहे हैं उनमें एक बेस्ट फोर्स के रूप में उसे जाना जाता है। इनके द्वारा 300 से ऊपर IEDs को डिफ्यूज किया गया और डिटोनेटर्स को जब्त किया गया। इसके अतिरिक्त इन अभियानों में बहुत सारे उग्रवादियों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सामग्रियों को भी झारखंड जगबार की टीम्स के द्वारा जब्त किया गया। जैसा कि औपचारिक तौर पर बताया गया कि यहाँ पर आज हम 15वें स्थापना दिवस पर इकट्ठा हुए हैं और इस समारोह को आयोजन करने के लिए एक तो स्थापना दिवस की जो भूमिका होती है वो तो है ही, इस सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी विगत वर्षों में हमारे जो साथी थे झारखंड जगबार के, जिन्होंने बहुत अच्छा श्रेष्ठ कार्य किया और उस कार्य को अंजाम देते देते अपने प्राणों की भी आहुति दी है, उनका हम आज सर्वप्रथम नमन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि झारखंड जगबार एक विशेष बल है और इसकी कुछ विशेष भूमिकाएं हैं, और जब से इसका गठन 2008 में हुआ है करीब 15 साल आज इसको कंप्लीट हो चुके हैं, पूरा हो चुके हैं, तो बहुत ही इसकी उपलब्धियां हैं और हम सब लोग तो शुरू से ही इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने अपने कार्यों को अंजाम देकर जो 10-15 साल पहले जो समस्याएं थी, नक्सल रिलेटेड समस्याएं थी, नक्सलवाद की जो समस्या थी, वो आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों की मेहनत से, खून पसीने से वो काफ़ी हद तक कम हुई है और सब लोगों को मालूम है कि अब वो समस्या उतनी ना रहकर कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हो चुकी है। नक्सल समस्या के बारे में जब कहें तो उसमें जितने भी नक्सल आउटफिट्स होते हैं उस सब के विरुद्ध झारखंड जगबार ने बहुत ही बेहतरीन कार्य किया है। उसमें चाहे आप CPI माओइस्ट को कह लें, PLFI को कह लें, TPC आदि उग्रवादियों को कह दें, उनके विरुद्ध जो भी है जिला पुलिस से लेकर के और हमारे CAPF के भी जितने बल हैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है और अभी भी लगातार ये कार्य जारी है। झारखंड जगबार को इस श्रेणी तक और इस कोटि तक बनाने में उनकी आंतरिक लगन तो है ही, उसके अलावा किसी भी बल को श्रेष्ठ बनाने में बेहतरीन कार्य करने के लिए उसके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी प्रशिक्षक हैं नीचे से ऊपर तक, जिन लोगों ने अभी तक इसमें प्रशिक्षण में अपना कार्य किया है, उनको भी धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी ही मेहनत की वजह से जितने भी हमारे नए लड़के, जितने भी हमारे नए ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस विशेष प्रणाली में अपने कार्य को सीखा है और बखूबी अभी अंजाम दे रहे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।